नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि त्यागी। अभी हम मौजूद हैं एनडीएमसी के कन्वेंशन हॉल में, जहां पर एसोचैम के सौजन्य से एक बड़े स्तर पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस लिए किया गया है और किन मुद्दों पर लेकर इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की गई है, ये सब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें, हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक सपना है न केवल देश के लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए, बल्कि पूरे विश्व स्तर पर अन्य देशों को भी भारत जैसे देश से खाद्य सुरक्षा को लेकर कोई संकट ना आए, भारत विश्व स्तर पर लोगों को खाना उपलब्ध कराए। इसी कड़ी में एग्रीकल्चर को विकसित करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कई गंभीर मुद्दों को लेकर इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की जा रही है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ खास है। मैं मनीष डागा हूँ, ऑल इंडिया कॉटन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। आज एसोकेम के इस सेमिनार में या कॉन्फ्रेंस में मैं आया हूँ एक ही उद्देश्य के साथ कि किसान तैयार हैं। हमारे इमीडिएट फैमिली में 1 लाख किसान है, और मैं आज 5 मंत्र देने वाला हूँ जो प्रोडक्टिविटी को 100% बढ़ा सकते हैं। कपास में, कपास एक कंपोजिट इकोनॉमी है और भारत के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि कॉटन फार्मर्स के लिए, कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए कुछ स्पेसिफिक आज इस कॉन्फ्रेंस में आउटकम मिले और हम किसानों को एक रोडमैप मिले आगे बढ़ने के।